तो भाई लोग कैसे आप सभी लोग पागल में कौन वीडियो में आज हम फिर से खेलने वाले हैं रोप हीरो माफिया वहाँ काफी ज्यादा दिनों के बाद। तो यहाँ पे मेरा प्लेयर वगैरह अपग्रेड करने का दिखा रहा है, मैं थोड़ा सा अपग्रेड कर पाऊंगा, मेरे पास ज्यादा यहाँ पे आप बोल सकते हैं एसपी नहीं जिससे कि अपना प्लेयर अपग्रेड होता है। चलते गेम के अंदर, लास्ट टाइम मैंने टेम्पल ऑफ ट्रूथ को कम्प्लीट किया था, उसको बिल्कुल ही डिफीट कर दिया था। तो आज भी मैं सोच रहा हूँ किसी बॉस को ही हराने वाले हैं, चल गया। तो यहाँ पे द गीटो दिखा रहा है, तो इसी से मैं सोच रहा हूँ फाइट कर लेते हैं। वैसे इसके इलाके पर मैंने आधा तो कब्जा कर रखा और ये इसी का इलाका है जहाँ पे मैं आपको खड़ा दिख रहा हूँ ना, ये इलाका इसी का है। तो यहाँ पे मैंने आधा तो कब्जा कर रखा है, बट आज मैं इसके फाइनल बॉस को हरा के यहाँ पे पूरा कब्जा कर लेने वाला हूँ। इस वाली सिटी में मेरा ही राज चलेगा, ये देखो इतनी ज्यादा बड़ी सिटी है। तो इस वाली सिटी को कैप्चर करने के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ी सी प्लानिंग वगैरह भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट टाइम पे याद होगा कि मैंने टेंपल ऑफ ट्रूथ को डिफीट किया था और उसके लिए मुझे यहाँ पे मिलिट्री बेस पे अटैक करके हेलीकॉप्टर को चुराना पड़ा था, तब जाके भाई वो डिफीट हो पाए थे, काफी ज्यादा खतरनाक थी। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, वो भी काफी ज्यादा खतरनाक वाली वीडियो थी। तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल पीपल को मार दिया, जिसकी वजह से मेरे पास यहाँ पे बॉस भी लड़ने आ जाएंगे इस वाले पूरे इलाके के, इस वाली सिटी के। तो यहाँ पे अगर मुझे इसको कैप्चर करना है तो मुझे आके बॉसेस को भी मारना पड़ेगा। तो जल्दी से यहाँ पे आ जाए अपने एनिमीज और फिर मैं उनको मारना यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा। तो चलो ठीक है, अभी तो कोई भी नहीं आया है, बट मुझे यहाँ पे मैप में दो एनिमी दिख रहे जो कि अपनी तरफ आ रहे हैं, तो इन दोनों को मैं मारूंगा। रेड कलर का जो आपको मतलब पॉइंट दिख रहा है ना, वही अपने एनिमीज है और वो अपनी तरफ ही आ रहे होंगे। देखो ये भाग के आ रहा है। भाई आज की वीडियो में ना मैं कमाल कर देने वाला हूँ भाई, इसके फाइनल बॉस को मारूंगा, और जो कि भाई द गीटो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था देखने में, बट आई डोंट नो भाई वो कितना ज़्यादा खतरनाक होगा और मैं कैसे क्या उसको मार पाऊंगा। मज़ा काफ़ी ज़्यादा आने वाला है, ये बात तो पक्की है। अब मैं इसको यहीं से निशाना लगाने की सोच रहा हूँ, बट लग नहीं पा रहा है भाई, ये प्लेयर बच जा रहा है हर बार। मैं इसको कैसे मारूँ, प्लेयर सामने भी है, हाँ प्लेयर नहीं है, नॉर्मल पीपल था जिसका काम तमाम हो चुका है, काफ़ी आसानी से मर गया। इधर की तरफ से भाग रहा है, मैं सोच रहा हूँ इसको भी गोली मारता, बट एक नीचे से मेरे ऊपर अटैक तो कर रहा है, पर मैं इसको मार कैसे पाऊंगा मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल भी। एक तो ये बात है ना कि मेरे पास स्कोप वाली गन नहीं है, वरना मैं स्कोप तान देता इसके ऊपर। अब विदाउट स्कोप के मैं कैसे मारूँ यार, यहाँ पे मतलब ये आ भी नहीं रहा है मेरी गोली के नीचे, और खैर वो तो यूँ भी नहीं आएगा भाई, उसको पता है तो मैं खुद यहाँ पे नीचे जाने वाला हूँ। रब गया भाई, लो ख़त्म, यहाँ पे दो खोपड़ी लग चुकी है, मुझे तीन लगानी है। यहाँ पे ये जो हेड दिख रहे हैं ना आपको, ये मुझे तीन लगाने हैं। ये करो खत्म भाई, बच रहा है, बच रहा है भाई, बच रहा है भाई, कब तक बचोगे, मेरी गन रिलोड हो जाते एक बार भाई, काफ़ी गंदी तरीके से गोली मार रहे हैं मुझे। पर अपने को कोई डरने की बात नहीं है, अब बोल रहा है सर्वाइव करना है आपको तो 4 मिनट तक, तो ठीक है मैं करूँगा खत्म। इसको भी मैंने यहाँ पे निपटा दिया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ ऊपर की तरफ रोप फेंक के अपनी, अब गेम का भी नाम है रोप हीरो माफिया वार, तो रोप का तो अपने को हेल्प लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे 4 मिनट बताया था तो मैं यहाँ पे सर्वाइव करने की पूरी कोशिश करूँगा, बट भाई यार ये बात है ना यार, यहाँ पे 4 मिनट तक सर्वाइव करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि एनिमीज आते रहेंगे लगातार अपने को मारने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कहीं आगे की तरफ चलते हैं, फाइनल बॉस का मुझे काफ़ी ज़्यादा वेट है कि यार वो 4 मिनट के बाद अपने को देखने को मिलेगा, और वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा वो भी आपको 4 मिनट के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि यार जब तक मैं नहीं देखूंगा तो मैं कैसे बता सकता हूँ। मुझे उससे फाइट करनी पड़ेगी, उसको हराना पड़ेगा। तो ये कुछ यहाँ पे सिटी का शायद नाम वगैरह लिखा है, या फिर इस इलाके का नाम वगैरह लिखा होगा। यहाँ पे ब्रिज दिखा रहा है सामने की तरफ, मैंने अपने वेस्ट को भी यहाँ पर रिपेयर वगैरह कर लिया है। मैं सोच रहा हूँ एनिमी तो आ रहा है भाई नीचे से, पर ये मुझे ही मारने आ रहा है। देखो इसके ऊपर हेड का निशान दिखा रहा है, जिसके ऊपर हेड का निशान दिखाता है वो अपना यहाँ पे एनिमी होता है, तो मुझे इसको भी मारना पड़ेगा। गोली तो मैं काफ़ी ज़्यादा चला रहा हूँ, यहाँ पे दो दो बंदे गोली चला रहे हैं, मैं नीचे आ चुका हूँ, वो भाई मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं, जल्दी से रिलोड हो जाए और ख़त्म। अरे भाई क्या मेरा निशाना है, क्या है यार निशाना काफ़ी ज़्यादा ख़राब है मेरा, इसको मारना है फाइनल ख़त्म। एक और आ चुका है इधर से, इसको मारना है भाई, बच भी रहा है यार, उछल उछल के बच भी रहा है, मैं भी बचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शायद शॉटगन चला रहा है भाई, और शॉटगन का डैमेज काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो देखो बिल्कुल यहाँ पे ये शॉटगन ही चला रहा था, मुझे लग ही रहा था कि शॉटगन चला पाए, मुझे शॉटगन की एमओ वगैरह भी मिली है। इसको मुझे मारना है, रुकना भाई रुकना, खत्म ना, अभी जाएगा भाई, ये बच नहीं पाएगा। ये वाले थोड़े से ज़्यादा पावरफुल आप हो सकते हो, जो इस टाइप के है ना कुछ देखने में, एक सामने की तरफ से और आ रहा है, टूट जाएगा खत्म। मैंने यहाँ पे सबको मार दिया, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऊपर की तरफ से फिर से चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट का टाइम और बता रहा है। एक बंदा और है, भाग रहा है भाई यहाँ से, भाग जाने देते, छोड़ो यार, नॉर्मल पीपल को क्या ही मतलब है मार के, बस अपने को यहाँ पे एनिमी वगैरह को मारा जैसे कि फाइनल वाला बॉस आ जाए। फाइनल बॉस को हराने में मज़ा तो काफ़ी ज़्यादा आएगा यार, पता नहीं मुझे कितना ज़्यादा पावरफुल लगा, अभी तक मेरी उससे फाइट नहीं हुई है, बट मुझे लगता है वो टेम्पल ऑफ ट्रूथ से ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो फिर उसे मुझे मिलिट्री बेस पर अटैक वगैरह करना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी मुझे फिर से वो कुछ करना पड़े यार, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। मैं जा रहा हूँ अपनी जगह पर, यहाँ पर एक गाड़ी और आ चुकी है भाई, गाड़ी यहाँ से एकदम नीचे कूद गई, पता नहीं क्यों भाई, कार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही थी, ऑरेंज कलर की, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी यार, थोड़ी भी नहीं बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो मैं सोच रहा हूँ मैं क्यों ना यहाँ पे खड़े होकर के इनकी कार वगैरह को डिस्ट्रॉय करता हूँ, जो कि यहाँ पे खड़ी है। देखो ये खड़ी है ना रेड कलर की, और यहाँ पे गोल्डन कलर की भी खड़ी है, लगती तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है देखने में, बट इन सबको मैं यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देने वाला हूँ। सर्वाइव करना 1 मिनट तक, मुझे और वेट करना है, तब तक मैं इसी को डिस्ट्रॉय करता हूँ। क्या करेंगे भाई, खाली हो गया, डिस्ट्रॉय करेंगे इनकी कार वगैरह को। एक बंदा है तो उसको मैंने काफ़ी ज़्यादा गंदा वाला डैमेज दिया, वो मर ही गया, आप बोल सकते हो बचा नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सारे कार हैं यार, ये गोल्डन वाली तगड़ी लग रही है ना। अभी रुको इसको यार ख़त्म कर देता हूँ बिल्कुल, मैं मुझे गन को अपनी रिलोड करना पड़ेगा।
खत्म हो जाएगी भाई, बचेगी तो नहीं, थोड़ा सा और डैमेज लगेगा। ब्लास्ट भाई, फाइनली ब्लास्ट हो चुकी है यहाँ पे। अब बारी से रेड वाले की, ये भी तगड़ी लग रही है ना देखने में, ख़त्म होगी ये भी। ये भी क्या याद रखेंगे यार कि किसी बंदे ने इनके मतलब अटैक करा था इनकी सिटी पे और इतना बुरा हाल करा था। कार वगैरह को सबको मैं यहाँ पर राख में बदल दूंगा, वहाँ पे जो धुएं उड़ रहे हैं। वहाँ पे एक वैन खड़ी दिख रही है, मैं सोच रहा हूँ उसको फोड़ता हूँ, बट शायद वो डमी वैन है, वो रियल वैन नहीं है। मुझे लगता है वो डमी वैन है तभी वो फूट नहीं रही है। कोई बात नहीं, अपन यहाँ पे रेड वाली कार को फोड़ते हैं, ये तो पक्का फूटेगी। ओके, धुआं निकलने लगा उसमें से भी। और ब्लास्ट भाई, फाइनली इसको मैंने ब्लास्ट कर दिया। ये बड़ी वाली कार भाई, इसको तो फोड़ना है। जीप रेंगुलर टाइप की लग रही है, या फिर आप बोल सकते हो फाइव डोर कार अगर आएगी तो इस टाइप की लगेगी वो। ख़त्म। और ये है भाई फाइनल बॉस, तगड़ा लग रहा है देखने में, कैसे टहलते हुए आ रहा है। पता नहीं इसका क्या नाम होने वाला है, जोए द काउ बॉय। तो ये काउ बॉय है, नो वे बैक। मैं यहाँ से बैक नहीं जा सकता, मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, मैं पीछे भी नहीं हट सकता हूँ, मुझे इसको हराना ही पड़ेगा। उसके बाद कुछ तगड़ी सी गन है, देखो ब्लू कलर की लाइट छोड़ती है ये, और मैं लगातार इसको गोली मार रहा हूँ, इसको कुछ असर हो नहीं रहा है। आई डोंट नो ये कैसे हारेगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है यार। कुछ अगर मुझे ट्रिक पता होती तो मैं इसको हरा देता। चलो ट्राई करता हूँ, मैं इसको हेड ही हेड मार रहा हूँ। और यहाँ पे एक इसका सोल्जर भी आ चुका है जो कि मुझे साइड से गोली मार रहा है। अच्छा हुआ कि मेरे पास यहाँ पे वेस्ट वगैरह है अपग्रेड करने के लिए, मतलब रिपेयर करने के लिए, हीलिंग भी है मेरे पास लगाने के लिए। काउ बॉय की मैंने थोड़ी सी हेल्थ खत्म करी है, बट मुझे इसको पूरा आना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा इसको डैमेज देना पड़ेगा। गाइस ये कमज़ोर नहीं है, हेड ही हेड पे मैं मार रहा हूँ गोली लगाता, देखो इसके हेड ही हेड पे मैं मार रहा हूँ भाई। यहाँ पे यार इसका एनिमी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, मैं सोच रहा हूँ इसको ही मार ही देता हूँ, दिमाग ख़राब कर रहा है। मैंने अपने वेस्ट को तो रिपेयर कर लिया है। अब बारी है भाई इस एनिमी की, इसको तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, बस अपनी गन रिलोड हो जाए एक बार और खत्म। अब ये सारे जाएंगे देखो एक के बाद, भाई काफ़ी ज़्यादा आसानी से मर जाते, ऐसी बात नहीं है। हेड ही हेड लगेगा, एक को तो मैंने निपटा दिया, एक और अभी साइड से मार रहा है, फिर से गन रिलोड। गन काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिलोड पे आ जाती है यार, इसको हेड ही लगाऊंगा मैं। ये है इसका हेड, वो देखो बिल्कुल हेड शॉट इसको लग रहा है, बट ये नीचे झुक जाता है पता नहीं कैसे। शायद ये भी अपनी एनर्जी वगैरह को रिफिल वगैरह करने की कोशिश कर रहा है, बट जो कि हो नहीं पा रही और मैं होने भी नहीं दूंगा। इसका एक एनिमी है जो कि मतलब गुलांटी खा के इस तरफ आ चुका है, स्टंट मार के नो वे बैक बता रहा हूँ। मैं भाग भी नहीं सकता हूँ भाई, मेरी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। मैं सोच रहा हूँ मेडिकेट मार ही लेता हूँ यार, तो मैंने यहाँ पे एक हीलिंग लगा ली है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी यार, क्योंकि बिना हीलिंग के काम नहीं बनता। मेरे पे काफ़ी ज़्यादा अटैक हो रहा है। और यहाँ पे ये बात नहीं है कि जो द काउ बॉय को हराना मुश्किल है, बट यार इसके जो एनिमी साइड से मार रहे हैं ना, इनसे बचते हुए इसको हराना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। बट हम करके दिखाएंगे भाई, करके दिखाएंगे। अभी दो एनिमी आ चुके हैं, मैं सोच रहा हूँ पहले एनिमी को मारूंगा। रुक जा भाई, तो दिमाग ख़राब कर दिया तूने मेरा, अभी ख़त्म होगा ना भाई, कितना ही बचने की कोशिश कर तो ख़त्म होगा। काउ बॉय की बारी है भाई, काउ बॉय तुम तो गए, बिल्कुल थोड़ी सी हेल्थ बची है इसकी, इतनी सी हेल्थ बची है। अगर मैं इसको थोड़ा और डैमेज देता ना तो इसका काम काफ़ी आसानी से खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा और डैमेज देना बस, फिनिश। तो गाइस फाइनली मैंने यहाँ पे जो है काउ बॉय को हरा दिया। लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे टेंपल ऑफ ट्रूथ को हराया था जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, और आज अपन ने इसको भी हरा दिया है। तो आप बोल सकते हो दो बॉस का तो मैंने काम तमाम कर दिया है, दो तीन बॉस और है जिसको कि आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में देखने को मिल जाएगा, अपन उसका भी काम तमाम कर देंगे। तो आज की वीडियो में आपको आया मजा तो वीडियो कर देना लाइक, शेयर को लेना, सब्सक्राइब, साइड वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।